दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि मैंने देखा है अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी ऐसे हो रहा है कि लोगों का जो अकाउंट है वो हैक हो रहा है, दूसरे लोग उसको यूज़ करने लग गए हैं। तो अगर आपका भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख लेना, बाद में आप चाहे तो डिसलाइक करो, सब्सक्राइब मत करना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट को सेव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन से मेरे साथ हो रहा है कि मैंने जब भी अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता था या फिर जाके रिसर्च करता था, वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखा जो मुझे लगा कि ये फेक है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा किया, उसके बाद जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिले वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसे बचाना चाहते हो, उसको सिक्योर रखना चाहते हो, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन तो बाद में, उससे पहले कुछ चीज़ें होता है जो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है या फिर डिसेबल्ड हो जाता है, तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, YouTube में सर्च करोगे या फिर Google में जाकर सर्च करोगे। अगर आप YouTube में जाकर सर्च करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे मैक्सिमम कमेंट आएगा, उस कमेंट के अंदर जो है ना लिखा हुआ रहता है कि इस मेरा अकाउंट डिलीट हो गया था, मैंने EAGTX नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके उनको मेरा जो अकाउंट है उसको 2 मिनट के अंदर रिकवर कर दिया, या फिर ये था वो था। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारा कमेंट मिल जाएगा। हाँ, इनमें से जो कमेंट है उनमें से मैक्सिमम फेक कमेंट नहीं है, लेकिन उनमें से 30 कमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो वहाँ पे फेक होता है। आपको पता नहीं होगा, आप जब उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे ना, मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे, नहीं तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, मैंने खुद देखा है, ठीक है। जब आप उस अकाउंट पे जाओगे ना, आपको वहाँ पे मिलियन मिलियन फॉलोअर दिखेगा, सब कुछ फेक होता है, हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना जो फोटो वोटो होता है उसको हटा देते हैं, नया आईडी डाल के फटाफट फर्स्ट क्लास डाल देते हैं, और वही आईडी हमें दिखता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने उन लोगों को ऐसे ही फॉलो कर लिया और उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, अगर आपने उन चीज़ सभी को एक्सेप्ट किया और जो भी वो बताएंगे अगर उनको फॉलो किया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। सीधी सी बात है, वो आपका अकाउंट को अगर रिकवर करने की बात करेंगे कि हाँ, हम आपका जो अकाउंट है उसको आपको वापस कर देंगे, उस जगह पर आप क्या करोगे? वो आपके पूछेगा कि आपने कौन सा जीमेल आईडी से लॉगिन किया था, आपका जो पासवर्ड है वो क्या, और आपको वो अकाउंट चाहिए। तो थोड़ा सा सोचो, अगर आपका अकाउंट कोई ऐसे मांगता है जीमेल आईडी पासवर्ड ऐसे मांगता है, तो वो क्या आपका अकाउंट को एक बार अगर रिकवर अगर कर भी लेता है, बाद में वो आपसे जो मोटी रकम क्यों नहीं मांगेगा? अगर वो कोई हैकर है, कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ जो पैसा खा रहा है, तो वो आपको हैक कर सकता है। तो हैकर से बचने के लिए खास करके, और गंदी लोग जो है ना, ख़राब आदमी कहते हैं ना, उनसे बचने के लिए अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड कभी भी शेयर मत करना। और यूट्यूब चैनल के अंदर ये जो कमेंट आते हैं ना कि मेरा कमेंट ये ठीक कर दिया है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को उसने रिकवर कर दिया 2 मिनट में, ये भाई इनसे सावधान रहना, कभी किसी को भरोसा मत करना। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग फेक है, मैक्सिमम लोग फेक कमेंट करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपका जो भी मर्जी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, डिसेबल हो गया, तो मेरा ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जानकारी लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को इंस्टाग्राम हैकर से बचाया जा सके।